उत्तराखंड में चार धाम और पर्यटन सीजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी विभागों को मुस्तैद रहने के यहाँ निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी के द्वारा दिया गया है। और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि इस समय हम मसूरी मर हैं और यहाँ पर परिवहन विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। सारी गाड़ियों की चेकिंग यहाँ पर की जा रही है और जो लोग यातायात नियमों के साथ अन्य नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। इस समय एआरटीओ राजेंद्र विटारिया जी यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद है। उनसे कुछ खास बातचीत कर लेंगे। सर, अगर बात करी जाए तो परिवहन विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है, लगातार चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों का लेकर जागरूक भी किया जा रहा है और जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जा रहा है, किस तरीके की कार्य योजना है सर आपकी? देखिए, परिवहन विभाग जो है पूरी तरह से इस बार चार धाम में तैयारी के साथ इस बार मुस्तैद है। हमने जो है अपनी दो टीम यहाँ पर मसूरी मार्ग पर लगाई है। एक टीम हमारी ब्रांच रोड पर चेकिंग कर रही है और एक टीम हमारी मुख्य मार्ग पर रोड चेकिंग कर रही है। जो भी वाहन जो है यहाँ पर नियमों को तोड़ रहा है उनके चालान किए जा रहे हैं और साथ साथ उनको जो है सीज भी किया जा रहा है। सर, कई बार देखा गया है बसों को भी आपने अभी रोका है, स्कूल बस को रोका है, कई कामयाब उसमें भी मिली है। ऐसे चार धाम को लेकर कई बसेस जाती है, उसको लेकर किस तरीके से आप कार्य योजना तैयार कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले तो कोठाल गेट पे एक अपनी एक चेक पोस्ट लगाई है। जो भी बस यहाँ पर यात्रा में आ रही है उसको वहाँ पे चेक किया जा रहा है। अगर कोई गाड़ी इस तरह की है जो बिना चेकिंग कराए ऊपर आ जाती है तो हमारी जो इन्फोर्समेंट टीम है वो हमारी जो है उसे रोड पर चेक कर रही है और उनको जो है प्रॉपर चेक कर रही है। गाड़ी में सवारियां गिन रही है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट गिन रहे हैं। अगर कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है तो गाड़ी को सीज भी कर रहे हैं। यात्रियों को कोई समस्या है तो उनको समझाया भी जा रहा है, उनको ग्रीन कार्ड, उनको ट्रिप कार्ड से संबंधित कोई भी बनाने में समस्या आ रही है उनको समझाया जा रहा है और नियमों की उन्हें जो है जानकारी भी दी जा रही है। सर, रैश ड्राइविंग एक बहुत बड़ा चलन हो गया है, उससे कई एक्सीडेंट भी हो गए हैं। स्कूटी चालक जो है वो बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं। मसूरी की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करी जाए तो टैक्सी स्कूटी कहीं ना कहीं एक मुसीबत का सबब बन गई है, उसको लेकर किस तरीके का एक्शन प्लान? देखिए, अभी इससे पहले हमने यहाँ पर जो है सभी स्कूटी का वेरिफिकेशन कराया था कि यहाँ पर कितनी स्कूटी जो है मसूरी में संचालित की जा रही हैं। तो लगभग 150 यहाँ पर जो है स्कूटी टैक्सी हमने जो है वेरीफाइड की थी। अभी उन सभी स्कूटी के हमने जो है व्हीकल्स के डॉक्यूमेंट चेक किए हैं और सभी लाइसेंस धारकों को जो नोटिस दिया है कि आप अपने समय से इनके पेपरों को चेक कराइए और पेपर पूरे करा लीजिए। अगर किसी के द्वारा ये पेपर पूरे नहीं कराए जाते तो उनके लाइसेंस के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और इनकी स्कूटी को सीज किया जाएगा। तो जी, थे हमारे साथ एआरटीओ राजेंद्र, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि यातायात नियमों के साथ जो स्कूटियों की समस्या मसूरी में आ रही है उसको लेकर कठोर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर लगातार डॉक्यूमेंट्स को चेक करने की कार्रवाई की जा रही है, जो यातायात नियम है उसको पालन करा जाए इसको लेकर भी यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, मसूरी।